खुल गई हैं देखे कि ये भी गाड़ियां हैं, ये भी गाड़ियां हैं, अच्छा ये पाकिस्तान में भी है। हम फॉर्च्यूनर V8 होंडा सिविक बस हमें ये तो जहाज चल रहा है, ये तो जहाज है टोयोटा, ये वाला जो डाला है ये तो अंत कर देता है। हां वी को का फलाना भाई गड्डियां तो है नहीं असल सारियां नाज़रीन पाकिस्तान और इंडिया, इंडिया और पाकिस्तान के अंदर कौन सी हैं जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स हैं, सबसे महंगी कार्स हैं, और इंडिया के अंदर सबसे महंगी कार कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान के अंदर सबसे महंगी कार कौन कौन सी है। देखना यह है कि इंडिया में ज़्यादा महंगी है कि पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा महंगी है, तो कार्स का एक कंपैरिजन होने जा रहा है। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। साथ साथ अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को लाजमी प्रेस किया, तो आए चलते हैं और महंगी कारें देखते हैं। आज की वीडियो में आप सभी का वेलकम है। तो आज की वीडियो में हम कंपेयर करेंगे पाकिस्तान और इंडिया की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स को। तो इस वीडियो में हम इन दोनों कंट्रीज की मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स को देखेंगे और ये भी देखेंगे कि कस्टम और बाकी टैक्सेस निकालकर उन कार्स की फाइनल क्या प्राइस बनती है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करें मिस्टर कमरान चैनल को और प्रेस करें साथ वाले बेल आइकन को, ताकि आप देख सकें हर आने वाली वीडियोस को सबसे पहले। पाकिस्तान में नंबर 10 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है मर्सिडीज AMG GT। इस स्पोर्ट्स कार में 469 हॉर्स पावर का टर्बो चार्ज V8 6.2 लीटर का इंजन है, 312 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे, 312 किलोमीटर पर आवर है। 9 करोड़ और पाकिस्तान में इस कार की फाइनल प्राइस 9 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनती है। ये 10वें नंबर पे है। पाकिस्तान में जो नंबर 9 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है बेंटले मुल्सान। इस कार में 505 हॉर्स पावर का टर्बो चार्ज V8 6.2 लीटर का इंजन है और इस गाड़ी की टॉप स्पीड 305 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान में इस गाड़ी की प्राइस 10 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। मजा भाई। पाकिस्तान में जो नंबर 8 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है मैंने कौन है ऑडी R8। इस स्पोर्ट्स कार में 662 हॉर्स पावर का V10 5.2 लीटर का पेट्रोल इंजन है। माय फेवरेट। सिर्फ 5.2 लीटर तेल डाल सकता है। 314 किलोमीटर पर आवर है। पाकिस्तान में इस कार की प्राइस 11 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। ओह माय गॉड। पाकिस्तान में जो नंबर 7 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है लैम्बोर्गिनी अवेंटाडोर। इस स्पोर्ट्स कार में 690 हॉर्स पावर का स्पीड तो 6.5 लीटर स्पीड है, लेकिन इनमें जो पेट्रोल है वो बहुत कम इसकी रेंज है, मतलब पेट्रोल बहुत कम डलवा सकते हैं। 6.5 लीटर है इसके अंदर। 13 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। 13 करोड़ स्पीड तो लगभग सबकी बराबर ही है। पाकिस्तान में नंबर 6 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है रोल्स रॉयस रैथ। इस कार में 623 हॉर्स पावर का ट्विन टर्बो चार्ज V12 6.6 लीटर का इंजन है। इस स्पोर्ट्स कार की टॉप स्पीड 320 किलोमीटर पर आवर है और पाकिस्तान में सभी टैक्सेस और चार्जेस को निकाल कर इस गाड़ी की फाइनल प्राइस बहुत महंगी है। 17 गाड़ियां बहुत महंगी हैं एक्स्ट्रा। पाकिस्तान में जो नंबर 4 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है फरारी, वो है फरारी 488। फरारी इस स्पोर्ट्स कार में 661 हॉर्स पावर का ट्विन टर्बो चार्ज V8 3.7 लिटरली मुझे तो सब बराबर ही लग रहे हैं इक्वल। इस स्पोर्ट्स कार की टॉप स्पीड नहीं ब्रांड और उसका मॉडल भी तो करता है और देखो 19 करोड़ वरना 10 करोड़ वाली और इसमें कुछ तो फर्क होगा।
पाकिस्तान में नंबर 3 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है McLaren 650S। इस स्पोर्ट्स कार में 641 हॉर्स पावर का ट्विन टर्बो चार्ज V8 3.8 लीटर वाला इंजन करोड़ों में जाई जा रही है। इसकी टॉप स्पीड 3 पे है, टॉप 3 के अंदर 22 करोड़ पे आ गया है। 650S की प्राइस 22 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। मुझे लगाना लगता है मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है Lamborghini Aventador S। Lamborghini Aventador, Aventador भी बहुत महंगे है। Aventador तो वहाँ पे 20 लाख है धीरम की, कहाँ पे 20 लाख डॉलर है या 20 लाख धीरम है, 20 मिलियन की सऊदी है दुबई में। 26 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस है। पाकिस्तान में जो नंबर 1 पे मोस्ट एक्सपेंसिव व्हीकल है मर्सिडीज बेंज कार नहीं बल्कि एक ट्रक है, ट्रक मर्सिडीज बेंज G63 AMG 6x6। इस 6 व्हील ड्राइव ट्रक में 536 पावर का ट्विन टर्बो V8 5.5 लीटर वाला इंजन है और इस ट्रक की टॉप स्पीड 165 पाकिस्तान में ड्यूटी चार्जेस और टैक्सेस को निकाल कर इस ट्रक की फाइनल प्राइस 60 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस बनती है। तो अब जान लेते हैं इंडिया की कार लागे भाई के बारे में। इंडिया में तो बहुत है, नंबर 10 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है फरारी 812 उनके 10 में है फरारी, हमारी 4th पे थी फरारी। 788 हॉर्स पावर का V12 6.5 लीटर हमारे हिसाब से उनकी करेंसी भी तो देखो ना, और स्पोर्ट्स नहीं लेकिन वो पाकिस्तानी पी क्या 40 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में सस्ती है, कार की प्राइस 5.2 करोड़ इंडियन। इंडिया में बहुत ज्यादा पाई जाती है ना, हमारे यहां तो टाटा में। इंडिया में नंबर 9 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है बेंटले मुल्सान जो हमारे इस गाड़ी में 506 हॉर्स पावर का ट्विन टर्बो चार्ज V8 यहाँ पे इंडियन रुपीस, यहाँ पे 12-13 करोड़ की थी, वहाँ 5.5 करोड़ की। तो इंडियन रुपीस है ना, करेंसी भी तो मैटर कर रही है। इतनी भी करेंसी उनकी नहीं है, हमसे दोगुना है तो दोगुन हाँ चलो ठीक है ओके। 10 करोड़ के तो 13 करोड़ के क्यों है? मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है Lamborghini Aventador और हमारे यहाँ फर्स्ट पे थी, सेकंड पे थी। 690 हॉर्स पावर का V12 6.5 लीटर वाला इंजन है, मतलब कि व्हाट इज दिस, क्या चल रहा है। स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में स्पोर्ट कार की प्राइस 6.3 करोड़ इंडियन। आई लव दिस कार। इंडिया में नंबर 7 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव वो है Rolls-Royce Cullinan। Cullinan के ब्रांड्स कितने हैं, क्या उनके सब भी ब्रांचेस हैं। इस गाड़ी की स्पीड 200 ब्रांड और लुक्स वाइज और उसका मॉडल और उसकी शेप खूबसूरत लगती है, बस यही चाहिए। माय पीपल स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी टू बाय दैट टाइप ऑफ गाड़ी। फायर पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है Rolls-Royce की चल रही है। ये देखो ना, ये देखो हर एक की लुक्स और शेप्स और उसका डिजाइन चेंज होता है। वो तो जैसे पुराने जमाने की लग रही है ब्रांड, ये पुराने जमाने की ना भाई। 6.6 लीटर वाला इंजन है ओके, और इस गाड़ी की टॉप स्पीड 250 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में इस कार की प्राइस 7.2 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है, और यहाँ पे होती ना तो 20 करोड़ तक होती। जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है Rolls-Royce Dawn, तो सारी Rolls-Royce की वहाँ पे है। इस कार में 563 ट्विन टर्बो V12 6.6 मुझे मेरा मिलने Rolls-Royce के मालिक से। हाँ मैं तुमसे मिलने बैठा। 255 किलोमीटर पर आवर है और इंडिया में इस गाड़ी की प्राइस 7.9 करोड़ इंडियन रुपीस है। इंडिया में नंबर 3 पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है यार ये Rolls-Royce का देख, दफा ही कहता है Rolls-Royce की सारी कार ये मोस्ट एक्सपेंसिव है इंडिया में। 664 हॉर्स पावर का ट्विन टर्बो चार्ज V12 6.7 लीटर वाला इंजन है, ये लगता है Rolls-Royce की प्रमोशन हो रही है। सेटअप की टॉप स्पीड 260 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में एक Rolls-Royce Phantom की प्राइस ये कलर प्यारा है 4 करोड़ इंडियन रुपीस है। इंडिया में नंबर
टू पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार है बुगाटी, वो है बुगाटी कायरन। ये भी बहुत बुगाटी कायरन में 1500 हॉर्स पावर का क्वाड टर्बो चार और स्पीड कितनी अच्छी है। और बुगाटी कायरन की टॉप स्पीड प्राइस भी अच्छी है, स्पीड पे ये दवाई अच्छी लगी हमें। स्पोर्ट्स कार की प्राइस 22 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है। इंडिया में जो नंबर 1 पे मोस्ट एक्सपेंसिव कार है वो है बुगाटी वीगो। इस स्पोर्ट्स कार में 1400 स्पोर्ट्स कार ही लाइक में एक्सपेंसिव है। टर्बो चार पाकिस्तान में ज्यादा महंगी है, बहुत महंगी है। 380 किलोमीटर पर आवर है। इंडिया में एक बुगाटी डीवो की प्राइस 41 करोड़ इंडियन रुपीस बनती है, जो पाकिस्तान की बनी। तो ये था आज का इंडिया और पाकिस्तान की टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स का कंपैरिजन। क्या कहती हैं जी दीजा मैडम, आपको कैसी लगी वीडियो? ऑनेस्टली स्पीकिंग, जिसके पास पाकिस्तान में इतनी महंगी गाड़ी है, सबसे पहले तो उसके घर में ना नैब वालों को डेट डालनी चाहिए कि वो टैक्स देता है कि नहीं देता, क्योंकि यार इतनी महंगी, लाइक लिटरली इतनी महंगी। अच्छा मैं चलिए मैं आप लोगों को ना एक छोटी सी क्या एक बात बताती हूँ। हमारे यहाँ पे ना मैंने जितनी भी 10 मोस्ट एक्सपेंसिव गाड़ियों में से राउंड अबाउट कोई एक देखी है, वो भी DHA के इतने फेमस लाहौर के इलाके में। और ना जो यहाँ पे ना पॉलिटिशियंस और जो क्रूज़र लेके घूमते हैं, वो अपनी क्रूज़र लैंड क्रूज़र का V8 मॉडल लेके घूमते हैं, बताऊँ वो उसमें बैठ के अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे होते हैं। वो अपने आप को समझ रहे हैं कि वो जहाज़ चला रहे हैं, ठीक है वो तो हो गई। और फिर जब कोई लेता है ना तो जी वो बड़ा, भाई मैंने तो फॉर्चूनर ली है 4 करोड़ की, भाई मैंने तो ये लिया है। लिटरली मेरा दिल करता है कि जिनके पास वो है मैं उनको भी चपेरे कराऊँगी, यार मोस्ट एक्सपेंसिव तो ये हैं। और ये बहुत इक्का दुक्का नज़र आती है। और लिटरली जिसके पास ये होनी चाहिए ना, जिसके पास ये होगी वो ऑब्वियसली उसका हराम का ही होगा। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के रेट की बात करी हो, इंडिया में नहीं, बिकॉज इंडिया की इकॉनमी बहुत अच्छी है। इंडिया का रेट देखें, यहाँ पे जो जो लोग मैं आपको बता रही हूँ ना जो क्रूज़र में घूमते हैं शौकियाँ मारते हैं, उनकी होती है 6 करोड़ की, 6.5 करोड़ की, ठीक है। और वहाँ पे जो मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स हैं उनके इतने रेट्स हैं। भाई तो पहली बात तो यह है कि मान गया भाई, इंडियन के अंदर, इंडिया के अंदर ज़्यादा रोल्स रॉयस और बुगाटी हमें देखने को मिली है, लैम्बर्गिनी भी मिली है, फरारी भी, फरारी लैम्बर्गिनी फिर रोल्स रॉयस फिर बुगाटी। पाकिस्तान के अंदर तो पता नहीं इधर भी फाड़ लो उधर भी फाड़ लो उधर भी फाड़ लो मुख्तलिफ ब्रांड से, लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमें 60 करोड़ का हमें एक वो मर्सिडीज बेंज का एक ट्रक नज़र आता है, लेकिन बुगाटी जो डीवो है वो इंडियन रुपीज़ के अगर 40 करोड़ के है तो पाकिस्तानी वो 80 करोड़ के करीब बन जाएगा। ये अक्सर कार जो है आप देखते हैं मुख्तलिफ किस्म के जो पॉलिटिशियंस हैं के बेटे, बेटे पॉलिटिशियंस उनके बेटे फिर एक्टर्स उनकी इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, एक्टर्स के पास होती है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो एक टाटा अंबानी और इस तरह के जो है इनके पास इस तरह की गाड़ी स्पोर्ट्स कार, और फिर जो स्पोर्ट्स के रिलेटेड बंदे होते हैं उनके पास, तो लिटरली भाई मान गया भाई हम इन गाड़ियों के। क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो यहाँ पे क्रूजर लेके अपने बाप की उड़ाते फिरते हैं और अपने आप को बहुत क्या कह सकते हैं भाई, अब हम तो हमारी तो आगे घुल गई हैं देखे कि ये भी गाड़ियाँ हैं, ये भी गाड़ियाँ हैं। अच्छा ये पाकिस्तान में भी है, हम फॉर्चूनर V8 होंडा सिविक बस समझते हैं, ये तो जहाज चल रहा है, ये तो जहाज है टोयोटा, ये वाला जो डाला है ये तो अंत कर देता है। हाँ वीगो का फलाना भाई, गड्डियाँ तो है नहीं असल सारियाँ। और ना मैं जब ना अच्छा मेरा मेरी ना फेवरेट गाड़ी है ऑडी, तो जब वो आती है ना कि हम कहीं जा रहे हैं तो ओ दीजिए योर लव, और लिटरली यहाँ तो मेरे लव को कोई हैसियत ही हासिल यहाँ पे लव लुक नहीं आया। तो आप बताएं जी कि नाज़रीन आपको ये वीडियो किस तरह की लगी, और नीचे दिए गए कमेंट्स के अंदर अपनी राय को लाजमी हमारे साथ शेयर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम आईडी मेंशन में फॉलो करें, सजेशंस दें और दुआएं करें हमारे लिए, कि हमें भी अल्लाह ताला जल्दी कोई ऐसी गाड़ी नसीब कर दे। और इसी के साथ अपने मेज़बानों को दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखें अल्लाह ने के बाद।